नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय बिहार में हूं और बिहार में एक हाईवे एक्सप्रेसवे है जहां पे काफी सुनसान जगह है और बगल में ज्योति मैडम भी साथ में यहां जुड़ी हुई हैं। और ज्योति मैडम के साथ आज मेरा 2 बजे रात को सफर रहा। लोग सोचेंगे कि 2 बजे रतिया को हम लोग कहां जा रहे हैं, थोड़ा सा बिहारी भाषा में भी बोल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, हम लोग हाजीपुर में एक घटना हुई है और वहां से हम लोग को अचानक कॉल आया कि एक जो बहू थी वो आग लगा ली है और वहां पे हम लोग को पहुंचना बहुत जरूरी था ताकि वहां का जो चीजें हैं हम लोग खबर कर सके कि वहां पे आखिर दरअसल घटना क्या हुई है। कहने मतलब घटना में तो बताया जा रहा है कि उनकी जो सास है, ससुर है, वही लोग उनके पति मतलब मिलकर के उनको आग लगाए हैं। लेकिन वहां हम लोग जाने के बाद हम लोग सच तक जाते हैं, तह तक जाते हैं, लेकिन बीच में हमारी जो स्कूटी थी वो उसका पेट्रोल खत्म हो गया, क्योंकि जब घटना के लिए हम लोग कॉल आता है तो हम लोग कुछ भी नहीं देखते हैं और रात में पेट्रोल नहीं थी गाड़ी पे, फिर भी हम लोग निकल पड़े कि जहां मिलेगी हम लोग पेट्रोल ले लेंगे। लेकिन उसी बीच में रास्ता में गाड़ी बंद हो गया। सर यूपी से आए हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा डर रहे थे कि हम यूपी से आए हैं और बिहार में बहुत कांड होती है, क्राइम होती है, कहीं हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। हम लोग के साथ कैमरा है, बैग है, माइक है, चोरी ना हो जाए, कोई छीन न ले लफंगा। लेकिन फिर भी हमारे साथ सर थे, हमारे बिहार पुलिस पे हम सैल्यूट करते हैं कि हमारा गर्व है कि इन्होंने आया सही समय पे, हमें पेट्रोल भी मिल गया और सहायता की। मैडम डरावना वाली स्थिति मेरी बता दीजिए, बार बार मैं कैसे डर रहा था, जरा दर्शक लोग काफी डर रहे थे, काफी ज्यादा डर रहे थे। इनका तो पूरा एकदम धक 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 सीना कर रहा था और जैसे मैम चलिए ना, प्लीज वापस चलिए ना, कोई भी सुविधा देखिए आसपास में। लेकिन हमने बोला कोई बात नहीं, नो डाउट आप मेरे बिहार में हैं, बिल्कुल सेफ है, पहले जैसा कुछ नहीं रहा। और सर आ रहे हैं, 112 वाली गाड़ी भी आ रही थी उधर से, मैं बोली कि बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, सर की गाड़ी आ रही है, मैं बात करती हूँ। और सर से हम लोगों ने बात किया और बिल्कुल जो हम लोग सोचे थे वही हुआ। अब बदलता बिहार पे हम कुछ बात करेंगे। बदलता बिहार आपने देखा भी होगा, इस तरह की पोस्ट भी वायरल हो रही है कि अब हमारा बिहार अब बदल रहा है। क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ की गाइडलाइन है कि ज़्यादा इनको बोलने का राइट नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक दो सवाल करने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले तो आप किस थाना क्षेत्र से हैं? पाटलिपुत्रा थाना से। आपका परिचय क्या हुआ सर? हम PTC ASI से हैं जी, तो हम पाटलिपुत्रा थाना में पोस्टेड हैं, अभी 112 पे हैं। मेरे नाइट में ड्यूटी थी। दिखाओ 112। तो सर अभी 112 पे हैं और इनकी ड्यूटी थी और SI के पोस्ट पे हैं, और मुझे बेहद खुशी हुई सर कि आप हम लोगों का हेल्प किए हैं। और एक तरफ से खुशी इस बात की भी है कि अब बिहार बदल रहा है। क्या लगता है सर, बिहार बदल रहा है कि वैसे ही है? एकदम बिहार बदल गया है जी, बहुत बदला बदला बिहार है जी। अगर बिहार बदला नहीं तो आपसे भेंट पूरा कैसे हो पाएगी? बिल्कुल सही बोल रहे सर। सर हम तो जान रहे हैं कि योगी बाबा 112 चला रहे हैं, बिहार भी चल गया। नहीं नहीं, हमारे बिहार की बिहार सरकार भी 112 चला रही और 112 से बहुत सेवा दे रही। हाँ, सुविधाएं आप लोग सही टाइम पे दे पाते हैं। हमारे यहाँ तो ये है कि 5 मिनट से 10 मिनट तक कोई इंप्रूव। यहाँ की सर क्या सुविधाएं हैं? यहाँ भी सेम सुविधा, सेम सुविधा। हाँ हाँ, 5 से 4-5 मिनट में हमको पहुँच जाना है। एक और आ रही है गाड़ी, दिखा दिखा फोकस करो। नहीं एम्बुलेंस सर। एक दो सवाल करेंगे। पहली बात तो ये थी कि हमारे साथ लेडीज मैडम थी, ज्योति मैडम थी। अब पहली बार सर देखे होंगे तो आप घबरा गए होंगे। हम लोग सिवान में अकेले बैठे हुए थे सुनसान जगहों पे। नहीं नहीं, घबराए नहीं, हमको लगा कि नहीं कोई मदद के लिए आवाज दे रहा है। हाँ, तो उनको लगा नहीं मदद करना चाहिए जी, हम लोग यही मेरा काम है। ठीक है, हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? थैंक यू सर, बड़ा मिलके अच्छा लगा। साथ में मैडम लोग भी हैं, कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे। मैडम रात को करीब 2 से 2:30 बज चुके हैं। हाँ ज्योति मैडम, थोड़ा आप भी इन लोगों के साथ आ जाएंगी तो थोड़ा सा जो अंदर का हौसला है, जुनून है और बढ़ चल जाए। तो मैडम आपसे कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे। 2-3 बजे रात को आपने एक आयन देखा, नज़र पड़ी इनके ऊपर, कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे? तो ये आवाज़ सुने तो यही देखे कि लड़की कोई साथ में है, हम मदद करना चाहिए। तो सर को बोले कि चलिए आवाज़ आ रहा है, ऐसा लड़की लड़का लड़की नहीं पता नहीं क्या होगा। मैम को लगा कोई पीड़िता है जो मतलब आवाज लगा रही है, क्योंकि दरअसल ऐसे घटना होती है। सिर्फ लड़की रहेगी तो मदद कीजिएगा। नहीं नहीं, साथ में आवाज आया तो हम लोग आए लोग। तो ज्योति मैडम क्या कहना चाहती हैं? मैडम जो चीज़ें हैं ना, मतलब अब एक लड़की एक लड़का, इन लोगों को पता नहीं कि हम लोग प्रेस हैं, क्या हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो इन लोग यही सोचेंगे ना कि पीड़िता होगी, मतलब कोई छेड़छाड़ कर रहा होगा, तो ये लोग ये सोच करके आए। इनका मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे फर्क है हमारे बिहार की पुलिस प्रशासन पे कि वो तत्पे खड़ी रहती है।
थैंक यू मैडम, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आपको सैल्यूट आप सभी सर लोग। और बिल्कुल मैं एक बात जाते जाते लड़कियों को कहना चाहूंगी कि आप लोग बेफिक्र होकर के आप मदद ले सकते हैं 112 पे, आपको डायल करने का है सिर्फ, और बस आप बात कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है आप बताइए। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं हमारी क्षेत्र की, हमारे बिहार की, जो डर जाती है कि अगर हम किसी लड़के के साथ या बॉयफ्रेंड या कुछ भी हो, मतलब लेकर के जाता है, उसके बाद में उसके साथ कुछ और करता है वहाँ पे, तो वो डरती है कि हमारा बदनामी होगा, हमारे घर तक पुलिस जाएगी, वेरिफिकेशन करेगी तो हमारे घर में बदनामी होगी। तो ये सब चीज़ से नहीं डरना है, कुछ चीज़ें होती है जो इन लोगों को गुप्त भी रखा जाता है, क्या है ना, प्राइवेसी भी होती है, आपको बिल्कुल इन लोग आपको सही सुरक्षित आपके घर तक छोड़ेंगे, और ये लोग का ये फर्ज बनता है कि आपको सही सुरक्षा दे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैडम, कुछ सवाल करने तो आप लोग कहीं इज्जत इनसे हेल्प ले सकते हैं। हाँ मैडम, काजल यादव जी, कैसा लगा हम लोगों से मिलने का, हम लोगों की मदद? और भी बहन बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो डरती है? हेल्प चाहिए हम लोग से तो हेल्प कर सकते हैं। बहुत लोग तो डरती हैं जी मदद लेने से, नहीं डरना चाहिए जी, फिकिर होके हेल्प लेना चाहिए हम लोग से, 24 घंटा हम लोग रहते हैं। आपको सवाल करने की कोशिश करेंगे ड्राइवर सर से, ये बताइए रात तो हो गए हैं, गाड़ी चलाने में झपकी उपकी आ जाती है, फिर उन सब चीज़ों को कैसे झेलते हैं? ऐसा है तो पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि अगर हमारे पीछे 3-4 बैठे हुए हैं जो भी है, जवान हैं, तो अगर हमें झपकी आ जाएगी जी तो हमें तो फिर एक्सीडेंट होने का भी डर रहता है, इसलिए हम एक्टिव हमेशा रहते हैं। अब जैसे अगर झपकी आई तो हम गाड़ी रोक के नीचे उतर के अपना टहल लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, रात का आप लोग का कुछ टाइमिंग होता है या फिर ड्यूटी जो है उसी ड्यूटी के अनुसार आप चलते ही रहेंगे? मतलब जैसे है अपना एरिया जो है उसमें गश्त करते हैं, कहीं हुआ तो 10 मिनट वहाँ रुक गए हैं, तो इसी हिसाब से हम लोग करते रहते हैं। गाड़ी चलाना रात को बहुत बड़ी बात होती है। चलिए बड़ा अच्छा लगा आपने साफ सफाई से आपने मैं जाते 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 जी बिल्कुल ज्योति मैडम का एक और सवाल जी मैडम, इस चैनल के माध्यम से भी प्रचार कीजिएगा कि कोई भी हो, महिला हो जी, ग्राउंड रिपोर्टिंग बिहार जी, कोई भी डरे नहीं और निफिक्र होके 112 पर कॉल करें। क्या बात है सर, धन्यवाद। लेकिन जाते जाते सर मेरा सवाल आपसे, बिल्कुल आप बताइए हमारा बिहार और बिहार का पुलिस कैसा लगा? ये स्थिति है और मैं अपने यहाँ भी बदनाम नहीं कर सकता, जी जी जी। हमारे यहाँ भी बहुत बेहतर स्थिति है, महिलाओं के लिए एक गाड़ी चली है 1090। अब यहाँ क्या प्रोसेस है, 1090 है कि नहीं? यहाँ नहीं, यहाँ पे 112 हमारे लिए, महिलाओं के लिए हमारे यहाँ प्रश्न। आपके योगी जी को आने से पहले का स्थिति बताइए कितना? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पहले तो छोड़िए गुंडे तो वही चीज है हमारे यहाँ अभी कभी, यहाँ भी 112 से महिला को हम लोग घर तक छोड़ते हैं या उसके स्थान तक छोड़ते हैं। अगर कॉल आया रात में कोई महिला अकेली भी है तो उसके घर तक हम लोग का काम है। चलिए सर अच्छी बात है, अब बिहार बदलेगा। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश की बात है तो महिलाओं के लिए 1090 एक पर्सनल गाड़ी रखी हुई है, और चूंकि 112 से भी लेके जा रहे हैं तो उनको पहुँचने से मतलब है, नंबर बदलने से कुछ नहीं होता है। चूंकि मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी भी करूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा, सवाल भी करने चलना सर हम लोगों। चलिए तो अब हम विराम लेना चाहेंगे, एक बार फिर से बिहार पुलिस को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपना राय जरूर दीजिएगा। बिल्कुल।